स्वाद के साथ आपको सेहत भी दे वो यही वाला गोलगप्पा है। मैं कहूँगी पूरा वर्ल्ड हेल्दी हो जाए, ऐसे प्रयास मेरे रहेंगे। गाइस मैं हूँ आज दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में और मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं हेल्दी गोलगप्पे। तो चलो एक बार चल के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। बीटेक पानी पूरी वाली, मैंने इसके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन आज मैं देखने आई हूँ कि क्या है एग्जैक्टली और क्या हेल्दी गोलगप्पे हैं, हेल्दी गोलगप्पे होते हैं क्या। ये है तापसी उपाध्याय जो कि सिर्फ 21 साल की हैं और बीटेक कर रही हैं, अभी इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और साथ साथ ही इन्होंने ये स्टार्टअप भी शुरू किया है हेल्दी गोलगप्पे बनाने का। और जो रिस्पॉन्स है अभी शुरुआत में ही रिस्पॉन्स बहुत धमाकेदार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, ये मार्केट के बीच में जो है स्टॉल है लेकिन यहाँ पर आप भीड़ देखिए। और मैंने जो सुना है ऑलमोस्ट आप कभी भी किसी भी टाइम आ जाएं ये भीड़ हमेशा रहती है। और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं इनके आसपास लेकिन आज हम यहाँ तिलक नगर वाले पे आए हैं, बिल्कुल मेन रोड पर ही है ये। तो जो ये गोलगप्पे आप देख रहे हैं ये फ्राइड गोलगप्पे नहीं हैं, इन्हें ऑयल में तला नहीं हुआ बल्कि ये एयर फ्राइड गोलगप्पे हैं, एयर फ्रायर में बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पर ये हेल्दी हैं और भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो ये कर रहे हैं ताकि इन गोलगप्पों को हेल्दी बनाया जा सके। और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हो, इसे पता चलता है कि लोगों में भी अब वो अवेयरनेस आ रही है हेल्दी खाने की। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं तो यहाँ से निकल रही थी और मुझे दिखा तो मुझे लगा कि चलो मुझे भी ट्राई करना चाहिए और आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो उसको प्रमोशन मिलना ही चाहिए ताकि और लोगों को भी आइडियाज आ सकें कि वो भी हेल्दी ऑप्शंस पे स्विच कर सकें। अगर हमारे सामने हेल्दी ऑप्शंस होंगे तो हम हेल्दी ही खाएंगे और अगर सामने अनहेल्दी ऑप्शंस होंगे तो फिर हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती। तो मुझे इनका ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आया तो डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ से लेके और वहाँ तक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये वाली लेन जेल रोड, जिसको खाने के लिए बहुत जाना जाता है। लेकिन आई एम सच काइंड ऑफ पर्सन, अगर मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँ तो मेरे लायक कुछ नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ नॉट द ओनली सिनेरियो विद मी विच इज़ हैपनिंग, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चाहते तो हैं हेल्दी वर्जन ऑफ फूड खाना लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। गोलगप्पे तो स्पेशली कहीं भी नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया था गोलगप्पे से बिकॉज पीपल जस्ट लव टू हैव इट एज अ स्नैक। किसी भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री में चले जाओ आप, हर जगह पर ये मिलेगा। और जानते हैं लोग गोलगप्पे बहुत सारे नाम, पानी पूरी, गोलगप्पा, पुचका, पानी के बताशे, पकौड़ी, फुल्की, पुस्ता, बहुत सारे नाम हैं। हर जगह फेमस चीज़ है, बहुत फेमस है और गो टू स्नैक है जो लोग बस right. हाँ कि हाँ गोलगप्पे उनको बताएं तो दे लव टू हैव इट। एयर फ्राई का आइडिया कहाँ से आया? एयर फ्राई का आइडिया मुझे चार चीज़ें होती हैं, तेल जो रिफाइंड ऑयल होता है, जो प्रोसेस्ड ऑयल होता है, शुगर होती है वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट और आपका रेड चिली पाउडर और मैदा, ये चार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। वहीं से आया कि तेल नहीं तो फिर क्या, तो फिर ये हो गया एयर फ्राइड हो गया। और जो पानी वगैरह है उसमें भी आप बहुत ध्यान रखते हो? हाँ, वो भी पिंक हिमालय रॉक सॉल्ट सेंधा नमक से ही बनता है, सेंधा नमक से। और फ्रेश ग्रीन चिली से, नो रेड चिली पाउडर, नो टार्टरिक एसिड, जो चटनी है वो भी ऑर्गेनिक गुड़, इमली और खजूर की बनती है। तो इसमें गुड़ डलता है, इमली और खजूर डलते हैं, ये जो रैशेज है ना ये खजूर के हैं। अच्छा, चीनी वगैरह कुछ? नो नो शुगर एट ऑल, कोई प्रिजर्वेटिव? नो प्रिजर्वेटिव, नो कलर, नो एडेड फ्लेवर्स। तो आपकी कॉस्ट ठीक बैठ जाती है जब आप ये सब हेल्दी चीज़ें भी बनाते हो तो? हाँ, कॉस्ट ठीक बैठ जाती है क्योंकि हमें लगता है, पता है ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपको कुछ भी खिला रहे होते हैं, लेकिन अगर वो 5 रुपये की जगह अगर मुझे 10 रुपये में मिल रहा है और मैं उसको 15 का बेच रही हूँ तो इट्स फाइन मार्जिन मेरे लिए, कोई बात नहीं, मैं कम कमा लूँगी लेकिन जो एक एग्जैक्ट एम्बिशन है हाँ वो वापस आएंगे। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें फ्रेश ग्रीन चिलीज़ होती हैं, रेड चिली पाउडर नहीं होता है, और धनिया और जीरा जिसको हम मिट्टी के बर्तन में भून कर हाथ से कूट के डालते हैं। ये सब बहुत ही एक लॉन्ग जर्नी थी 5 साल की, जिसमें मैंने हेल्दी वर्जन ऑफ फूड पे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच किया। तो मैंने ग्रेजुअली चीज़ों को सीखा है, स्टडी करी है, न्यूट्रिशन साइंस मैंने पढ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद क्या है ना, पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं होती। मैं आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं अपनी पढ़ाई को इस तरह से यूज़ कर रही हूँगी, लेकिन इट इन अ ट्रू एंड ग्रेट सेंस। तो ये भी ऑर्गेनिक अच्छी? हाँ, ये भी इको फ्रेंडली है, इसको भी हमने ऐसे बनाया कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ मैंने करी हैं कि इको फ्रेंडली बनाएंगे तो जो प्लास्टिक यूज़ ना होने की वजह से बहुत सारी मरीन लाइफ को इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कैसा
करते होंगे कि मैं लड़की होकर आप ये काम कर रहे हो, तो अलग से मोटिवेशन आपको आता होगा? नहीं, मोटिवेशन तो देखिए आप आए हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन मिल गई है. और मैं यही कहती हूँ, इट इज़ नॉट मी बट इट इज़ यू पीपल जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और मैं इतना कर पा रही हूँ. द क्रेडिट कम्प्लीटली गोज़ टू यू. यू मीन्स माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ आते हैं एक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए और उसको इतना पॉपुलराइज कराने के लिए. कि आपके यहाँ पर जितना रश मैं देख रही हूँ, आपकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी दिख रही है. सो जो पानी आप यूज़ करते हो वो भी मिनरल वाटर आप यूज़ करते हो? जी, ओनली मिनरल वाटर, नो कंटामिनेटेड वाटर. तो अभी दिल्ली में कहाँ कहाँ पर हैं आपके ये स्टॉल? अभी वेस्ट दिल्ली हमने एक्वायर किया है जिसमें मेरी 6 स्टॉल्स लगते हैं और उसमें से जो 5 स्टॉल्स हैं, 6 स्टॉल्स मेरी खुद की हैं, ओन स्टॉल्स अभी 7th मेरी फ्रेंचाइजी वाली खुलेगी एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन 30+ फ्रेंचाइजीज, तो वो ओपनिंग सून है. तो ये सूजी के क्या करते हैं, आटे के? ये आटा का है और इसमें थोड़ी सूजी मिक्स होती है क्योंकि सूजी की डिमांड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो हम कम्प्लीटली सूजी तो नहीं ला पाए बिकॉज इट इज़ अगेन नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन होल व्हीट का है. जो स्वाद के साथ आपको सेहत भी दे वो यही वाला गोलगप्पा है. यहाँ पे खाने वालों की भीड़ तो है ही, इसके साथ साथ पैक कराने वालों की भी भीड़ है. और आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी, कितनी क्यूट ग्लास बॉटल्स हैं जिसमें गोलगप्पे का पानी पैक हो रहा है, तो ये भी हेल्दी है. तो आप देख सकते हो कि हर चीज़ यहाँ पे हेल्दी है. जो पानी यूज़ हो रहा है वो मिनरल वाटर है, जो नमक है वो सेंधा नमक यूज़ हो रहा है, शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स पानी में नहीं यूज़ हो रहे हैं. तो अपनी तरह से इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि इसका हेल्दी वर्जन बना सकें. और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए. तो अगर आप भी कहीं आसपास रहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ और इन गोलगप्पों को ज़रूर इन्जॉय करें. थैंक यू तापसी, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.